एवरीवन, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं, तो मैं एक ओवरऑल मैथ का एनालिसिस कर रहा हूँ, ओवरऑल सिर्फ। अभी कंप्लीट एनालिसिस, डिटेल्ड सॉल्यूशन कल इसी चैनल पर आ जाएगा, उसकी आप चिंता मत करिए। अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि पेपर का फॉर्मेट कैसा है, पेपर में सवाल का लेबल कैसा है, क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो क्या आप 40 में से 40 स्कोर कर पाएंगे, क्या एक दो चैप्टर छोड़कर भी काम हो पाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पेपर में जैसा कि सेक्शन ए में आपके 20 में से 16 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 4 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा एकदम ईजी क्वेश्चन है, चौथा थोड़ा सा बढ़िया है, मीडियम लेवल का, इसमें रोम्बस का एल्टीट्यूड निकालना था तो बच्चे कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, ये इजी क्वेश्चन है। चौदहवां थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मीडियम लेवल का, इसमें थोड़े से बच्चे कन्फ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे रेशियो दे दिया गया है, फिर उसके बाद इससे एक की मतलब ट्री को लगाना है। एक ये हो गया थोड़ा मीडियम लेवल का, बाकी सारे के सारे इजी हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि इस 20 में से 18 क्वेश्चन एकदम इजी के इजी हैं, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। तो भैया यहाँ से 16 क्वेश्चन तो आपको करने से कोई नहीं रोक पाएगा, यही लेवल आपके एग्जाम में भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सेक्शन बी में जब बढ़ेंगे तो 21वां का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम, अब यहाँ पे थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल सेक्शन बी में आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन मीडियम हो गया, ये इजी है, दूसरा क्वेश्चन मीडियम हो गया, फिर उसके बाद बाकी सब इजी इजी है, ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल का हो गया, हालांकि कर लेंगे आप, एलसीएम बेस्ड है नंबर सिस्टम से, ठीक है। फिर ये चौथा क्वेश्चन मीडियम हो गया, चार क्वेश्चन मीडियम हो गए, पाँच क्वेश्चन मीडियम हो गया, छः हो गया, सात हो गया, ठीक है, आठ हो गया। तो भैया टोटल जो है वो 20 में से 8 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं, 20 में से 8 मीडियम लेवल के हैं, बाकी कितने हैं, बाकी जो हैं 12 क्वेश्चन जो आपके इजी लेवल के हैं। अब इन 8 मीडियम में से आपको 4 ही करना है, मान लीजिए कोई तो चैप्टर 4, कोई तो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग होंगे तो वो तो आप कर ही लोगे, तो भैया यहाँ से तो आपका काम हो जाएगा। मतलब यहाँ भी आपको 16 क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप कम से कम 8 चैप्टर में से 6 से 7 चैप्टर फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, तो आपको 16 के 16 सवाल करने से कोई नहीं रोक सकता, और वो भी सही सही करेंगे आप, ठीक है। कुछ सवाल तो ऑप्शन से भी अब सकते हैं, इतना आपके लिए आसान हो गया है। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी में आपको पता है कि केस बेस्ड क्वेश्चन, तो केस बेस्ड कोई अलग चीज नहीं होती है, कोई अलग से पहाड़ नहीं टूट जाता है, केस बेस्ड और आसान हो जाता है, आपको फिगर मिल जाएगा और मज़ा आएगा करने में। तो केस बेस्ड के जो सैंपल पेपर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 के दोनों बिल्कुल इजी हैं, मतलब बिल्कुल, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। तो भाई साहब मैं बता दूं कि एवरेज बच्चा, अगर सैंपल पेपर इसी लेवल का और यही लेवल पेपर का भी रहने वाला है, एवरेज बच्चा भी 40 में से 40 ही लाएगा, मतलब 40 में 40 लाने वालों की संख्या बहुत होगी। तो 21 सितंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पूरे पेपर की तैयारी, तो मेक श्योर सारे के सारे बच्चे ज्वाइन करें सफलता बैच को। यहाँ पे हम पूरी तैयारी करेंगे टर्म फर्स्ट की, जो आपका सिलेबस होने वाला है कंप्लीट पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको ये सैंपल पेपर जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली जो आपका आएगा, आपका टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप चैनल पर बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, क्या आप चेक करना चाहते हैं कि कितने देर में आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अलग अलग सभी सब्जेक्ट की एनालिसिस इसी चैनल पर बहुत जल्द आने वाली है।